जय माता दी। बंधुओं सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि के राशिफल के बारे में दिनांक 15, 16, 17, 18, 19, 20 सितंबर के लिए। वीडियो पूरा देखें और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। आज आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारी बहन का एक और YouTube चैनल है जिसका नाम चलपरी है। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इन दिनों की शुरुआत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होगा और इसके बाद अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेगा। इसके साथ ही शुक्र और बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने वाला है। इन दिनों की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर होंगे, इसीलिए यह दिन आपके लिए मिले जुले रहने की उम्मीद है। इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। साथ ही ये समय आपको और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट भी प्रदान करेंगे। हालांकि व्यापारियों को अपने व्यापार में कुछ समस्या आ सकती है, इसीलिए इस समय ध्यानपूर्वक ही हर प्रकार का लेन देन करें, अन्यथा धन हानि के योग बन रहे हैं। इसके बाद जब चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपको मानसिक तनाव होगा। हालांकि शुरुआत में धन की समस्या महसूस होगी, लेकिन बाद में धन अचानक से अलग अलग स्रोतों से आने का योग बन रहा है। हालांकि आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिससे आप भी कुछ हद तक परेशान रहेंगे। इसके बाद इन दिनों के मध्य में नवम भाव में चंद्र के गोचर के दौरान आपकी किसी यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है। इस दौरान आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। गौरतलब है कि यात्रा के दौरान आपको कुछ अच्छे अनुभवों की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इस समय आपके भाई बहनों को समस्या आ सकती है। इन दिनों के अंत में चंद्रदेव आपके दशम भाव में होंगे। इस भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वहीं ये समय सरकारी और मैनेजमेंट क्षेत्रों के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय संभावना है कि आप कहीं पूंजी निवेश करें, इसीलिए यदि इस बारे में पूर्व में विचार कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जहां इन दिनों शुक्रदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, वहीं बुधदेव भी आपकी इसी भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके घर परिवार में कोई फंक्शन या छोटा बड़ा आयोजन हो सकता है। आप इस समय घर की साज सज्जा पर भी अपना धन खर्च करेंगे। इस दौरान आयोजन से परिवार में खुशहाली आएगी। कार्यक्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन तारीफ काबिल होगा, जिससे मन खासा प्रसन्न रहेगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।